नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केरला सीरीज के इस नए व्लॉग में। अभी तक इस केरला सीरीज में हम लोगों ने आपको मुन्नार घुमाया है। मुन्नार के बाद हम लोग आपको लेके गए हैं ठेकड़ी में, जहां हमने आपको वहां की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंजॉय करवाई। उसके बाद हम लोग पहुंच गए कोवलम, जहां पर हमने कोवलम बीच का और साथ में लाइट हाउस बीच का मज़ा लिया। और फाइनली हम लोग चले गए हैं एलप्पी की ओर। तो आज हम लोग जा रहे हैं एलप्पी, जो कि केरल का एक छोटा सा शहर है और अपने बैक वाटर और हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। आज हम आप लोगों को ले जा रहे हैं बैक वाटर में। और जिन लोगों को नहीं पता कि बैक वाटर क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि नदी व समुद्र का पानी जब मैदानी इलाकों में जमा हो जाता है तो उसे बैक वाटर कहते हैं। अभी जो हमारे सामने है, यह है अष्टमुड़ी लेक, जो कि कल्लड़ा रिवर से अलग होकर बनी है। कल्लड़ा रिवर जो यहाँ पर मेन रिवर है वो है। सोडा पी के कैसा लग रहा है इस गर्मी में? जल्दी पियो फिर। अमेजिंग। एंड अभी हम लोग एलप्पी की ओर जा रहे हैं। सुबह हम निकले थे कोवलम से और अभी हम 1 या 1.5 घंटे में एलप्पी में पहुंच जाएंगे। बैक वाटर में हम लोग 3 तरीके से घूम सकते हैं। पहला तरीका है कैनो से। कैनो एक छोटी सी बोट होती है जिसे बैम्बू स्टिक से चलाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है शिकारा का। शिकारा के चार्जेस 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से होते हैं, जो कि मिनिमम 3 आवर के लिए लेनी ही पड़ती है। तीसरा और मेरा फेवरेट ऑप्शन है हाउस बोट। हाउस बोट बेसिकली एक पानी के ऊपर चलता फिरता घर होता है, या आपकी प्राइवेट और शेयरिंग दोनों मोड में मिल जाती है। और इस हाउस बोट राइड की जो खास बात है वो ये है कि अभी तक रीता को भी इसके बारे में नहीं पता था, थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे गाड़ी में बताया। यहाँ पर सारी बैक वाटर बोट खड़ी होती है। ये रास्ता है, यहाँ से आप जाके यहाँ से भी देख सकते हो। हमारी बोट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम है पल्ली थुरुत्ती टैक्सी स्टैंड। अब हम जा रहे हैं अपनी हाउस बोट की तरफ, जो लग चुकी है अपनी जगह पे। सामने भैया हमारा सामान लेके जा रहे हैं। ये है बैक वाटर और ये है हमारी गिलेलिया हाउस बोट। तो जो चेक इन टाइम होता है हाउस बोट का, वो होता है सुबह 11 बजे का, और जो चेकआउट टाइम होता है वो होता है नेक्स्ट डे 9 AM तक। लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों मील इस हाउस बोट के प्राइस में ही इंक्लूड होती है। 11 बजे से 5 बजे तक की हाउस बोट चलती है और उसके बाद ये एक विलेज पे जाके रुक जाएगी, जहाँ पर आप लोकल विलेज एक्सप्लोर कर सकते। तो आइए आपको हमारी हाउस बोट का दीदार करवाते हैं। हाउस होल्ड की हर एक चीज़ यहाँ पर है, जैसे TV है, डाइनिंग टेबल है, साथ में साथ आपको यहाँ पर सोफ़ा मिल जाता है। सोफ़े के साथ आपको साइड में जो सिटिंग है ये भी मिल जाती है। और थोड़ा आगे चलने पे ये रास्ता हमारा जा रहा है ऊपर की तरफ, जो ऊपर भी एक कंपार्टमेंट है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये हमारा लगेज पड़ा है और ये है हमारा रूम, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें जो लकड़ी का काम करा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अच्छी सी लाइटिंग है। दिस इज वॉशरूम। तो यहाँ पर AC दिया हुआ है, उसके बगल में एक विंडो है बहुत प्यारी सी, जिसमें आप बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। रूम से बाहर निकल के राइट साइड में आपका एक और रूम बना हुआ है, जिससे थोड़ा आगे जाने पे आपको किचन मिल जाता है, जहाँ पर हमारे लिए खाना वगैरह तैयार होगा। और इसी के साथ हमने अपनी हाउस बोट की जर्नी स्टार्ट कर दी है। और भी हाउस बोट्स हैं यहाँ पर। अभी हम पी रहे हैं अपनी वेलकम ड्रिंक। तो ये इनका गेस्चर का तरीका है, आप आते हैं आपको कुछ पीने के लिए दिया जाता है। जैसे हम लोग घर पे आने पे मेहमान को पानी पिलाते हैं, काइंड ऑफ सेम। और अभी हमारी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। बेसिकली दिस इज़ अ प्राइवेट हाउस बोट। एक शेयरिंग वाली भी आती है, उसमें 10 या 12 कमरे होते हैं, जिसमें आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है। और ये है पर्सनल। अब हम जाएंगे ऊपर की ओर थोड़ा। आपके लिए यहाँ पर भी सोफ़ा है, डाइनिंग टेबल है,
आप यहाँ पर बैठ के आराम से मौसम का मज़ा ले सकते हैं, जो हाउस बोट की स्लोली स्लोली सवारी चल रही है उसका मज़ा ले सकते हैं। सो रीटा, मेरी बीवी को कैसा लग रहा है? वन ऑफ द बेस्ट। तुम्हें तो आना नहीं था ना इस पे? I thought कि वो नेशनल पार्क जैसी बोट होगी and we'll just having one room. It could be simple like this, but I didn't expect this. मतलब आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया? अचंभित करता हुआ पसंद आता है? आप हैरान हैं थोड़ी सी, क्योंकि एक तरह का सरप्राइज हो गया है तो, है ना? क्योंकि हमने पहले हाउस बोट का प्लांट ड्रॉप कर दिया था एक बार, देन आई प्लांट सीक्रेटली उमर भाई और अभी से अच्छा लगा। चलिए, ये भी ज़रूरी है। ये हमारे हाउस बोट के कैप्टन सर हैं, जो हमें अभी यहाँ एक्सप्लोर करवाएंगे, जो हमें घुमाएंगे। तो अभी ज़रा हम इनसे पूछते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैक वाटर। सर, बैक वाटर है मतलब कौन सा नाम क्या है इसका? पंबा रिवर। पंबा रिवर, यस। ओके, सो कितना कुछ एरिया वगैरह टुडे? एरिया हाउ मच एरिया इट कवर्स? देन टुडे इज 32 किलोमीटर्स कवरिंग है। ओके, वी विल कवर 32 किलोमीटर्स। ओके, 32 किलोमीटर वी विल कवर एंड आफ्टर दैट एट द 5 o'clock स्टॉप देयर एंड ओके अनदर स्टॉप। हां यस, विलेज साइड स्टॉप देयर। ओके, सो 8 o'clock start then, 9 o'clock reach same place. Okay. 8 o'clock we will start from there, yes. And then reach again here 9 a.m. So basically, this is the beautiful place which we especially want to visit. क्योंकि हमने बहुत बार देखा था, बहुत बार सुना था इस चीज़ जगह के बारे में, तो हमें खुद भी अंदर से था कि हाँ चलो यहाँ पर घूमते हैं। हाउस बोट आपको यहाँ पर मल्टीपल मिलती हैं, प्राइवेट भी मिलती हैं एज वेल एज़ आपको शेयरिंग हाउस बोट भी मिलती है। चार्जेस सबके डिफरेंट हैं, आप किस सीज़न में आते हैं ये भी मैटर करता है, आपको कैसा लगता है यहाँ पर, कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, आपका रूम डीलक्स टाइप है, सेमी डीलक्स टाइप है और प्रीमियम है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी जो प्राइस वगैरह है वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल अभी इंजॉय करते हैं अपने नज़ारे। अलग अलग बोटिंग एक्टिविटीज़ का मज़ा भी ले सकते हैं। तो समय हो गया है हमारे लंच का, तो यहाँ पर हमारे लिए बना हुआ है राइस, सांभर, पापड़, भिंडी की सब्जी। अभी हम यहाँ पर रुके हैं क्योंकि हम पहले लंच करेंगे। हमारे बगल से जस्ट अभी एक हाउस बोट गई है, ये भी प्राइवेट हाउस बोट है। देखिए, एक सांड मेरे ऊपर बैठ गया है अभी, ये देखो देखो सांड की तरफ देखो, देखो ये रहा है सांड। तो अभी हमें 3 घंटे से भी ऊपर हो चुके हैं और जो व्यूज़ हैं यहाँ पर बहुत ही मैस्मराइजिंग व्यू हैं, तो हमारी आंखें ही नहीं हट रही हैं इनसे। हम लोग बार बार खड़े होकर देखे जा रहे हैं। रीता मुझसे पूछ रही है कि तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो बार बार व्यू देख के? तो यार ऑब्वियसली सी बात है, ब्यूटीफुल वाइब और उसके साथ इतने ब्यूटीफुल व्यू, मतलब बंदे को दो दो खूबसूरत चीज़ें मिल रही है तो बंदा खुश तो होगा ही। सो दिस इज वेमनाट लेक, और मैंने कश्मीर में डल लेक में भी घूमा हूँ। वहाँ की हाउस बोट और यहाँ के हाउस बोट का मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस मिला, वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ के इन्वायरमेंट में। और आप जैसे ही वहाँ जाते हैं, आपकी एक बोट इधर से आ जाएगी, एक शिकारा इधर से आ जाएगी, आपको परेशान कर देती है। बट यहाँ पर देखिए कितना पीस है आपके पास, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं।
मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ की, जिसे मैं लिटरली इन्जॉय कर रहा हूँ। बहुत पीसफुल है मेरे लिए और फुल पैसे वसूल जिसे कहा जाता है। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि आप आइएगा और कोशिश कीजिए प्राइवेट हाउस बोट का। अभी जो हमें प्राइवेट हाउस बोट यहाँ पर पड़ी है वो अभी हमें पड़ी है 8000 रुपीज़ की। थोड़ा सा ऑफ सीज़न है ये, इसलिए नहीं तो पीक सीज़न में ये 10 to 12000 भी जाती है। और नेगोशिएशन आपके ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका नंबर भी दे दूँगा, आप डायरेक्ट कॉल करके इनसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो बस इतना ही, देखते हैं आगे अभी शाम ढलने के बाद हमें क्या अनुभव मिलता है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे हम लोग बाइक और स्कूटी का यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग बोट का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद बोट्स नहीं चलती हैं और अपने लोकल स्टॉप्स पर ही रुक जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोट्स को शाम को चलना बैन कर रखा है। यह है हमारी वेम्बनाड लेक, जो कि भारत की सबसे लंबी लेक है, जिसकी लंबाई लगभग 96.5 किलोमीटर के अराउंड है। और ये वेम्बनाड लेक आगे जाके कोची के समंदर में जाके मिल जाती है। So here we have the night dinner, chapati, rice and dal fry, fried bhindi, aloo gobi, looks tasty. और भरपेट खाना खाने के बाद समय आ गया था नृत्य करने का। और मॉर्निंग में जब हम लोग उठे तो हमने देखा कि यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे जो बैकवाटर के साइड पे। और ये है बोट का स्टॉप, जो बोट्स आती है, कमर्शियल स्टॉप है ये, जैसे स्टैंड होता है हमारे वहाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमारी बोट जो है वो चल चुकी है, देख सकते हैं आप। और अब हम निकल रहे हैं, थोड़ा बाहर विज़िट करते हैं, बोट के बाहर के नज़ारे देखते हैं और ब्रेकफास्ट भी हमारा लगने वाला है। बल्कि लगना स्टार्ट हो चुका है ब्रेकफास्ट हमारा, ये देखिए स्टार्ट हो गया है। ये है हमारी बोट, ये रीटा ब्रेकफास्ट करने पहुंच चुकी है और मॉर्निंग के व्यूज़ बहुत ही सुंदर, और मॉर्निंग में खुशबू बहुत अच्छी 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 आती है, ठंडी ठंडी एकदम हवाएं चलती है, तो बहुत अच्छा फील गुड हो रहा है। और देखते हैं आगे क्या है। अब तो हम लोग यहाँ से, हमें 1 घंटा करीब लगेगा अभी जहाँ पर हमारा स्टार्ट हुआ था बोट, वहाँ पर पहुँचने में। और बोट न्यू कैप्टन मिस रीटा बिस्ट, और यहाँ पर रीटा भी बोट चला रही है हमारी, देखिए। Go straight and right only. So Rita ने आज ship भी चला ली। How do you feel? Like a captain. Like a captain? So this is a new experience for her, as well as risky experience for me. So right now I'm riding the boat, and बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो सही में। क्या मस्त काट रहा हूँ रे बोट है। अब हम उस तरह थोड़ा सा मोड़ रहे हैं ना। इतना मुश्किल भी नहीं वैसे, है ना। अब बहुत ही मज़ा आ रहा है कि खुद से छोटे मोटे हैवी ड्राइवर हो चुका हूँ मैं, हैवी ड्राइवर हो गया हूँ मैं, बोट चला रहा हूँ क्योंकि मज़ेदार। आज मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं अलग अलग टाइप की, आज मैंने बोट भी चला के देखी, मज़ा आ गया इसे कहते हैं। अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, आज ब्रेकफास्ट में है इडली सांभर विद नारियल की चटनी, सो इट्स लुक जस्ट ऑसम। ये हमारी इडली है और ये टेस्टी सा सांभर, और उससे भी टेस्टी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है चटनी। तो इसकी जो चटनी यहाँ की है बहुत
लाइक फील गुड एकदम, जस्ट मज़ा आ जाता है सूंघते ही। तो दोस्तों समय आ गया है हाउस बोट से अलविदा लेने का, घड़ी से लगा के मात्र 10 मिनट रह गए हैं। हमारी हाउस बोट अभी अपने स्टैंड पे पहुंचने वाली है। अपने स्टैंड पे पहुंच के हम वहाँ से उतरेंगे, एक दो पिक्चर्स क्लिक करेंगे। बगल में चल रही दूसरी बोट में चलता हुआ एक गाना सुन के मेरा डांस निकल आया। यह है गैलीलिया क्रूज को बाय करने का। बाय बाय कैप्टन सर, बाय। ओके ओके, बाय कैप्टन जी। ओके, दिस इज अवर गैलीलिया क्रूज, वी एंजॉय अ लॉट इन दिस। हाउस बोट के अलावा आप लोग मरारी बीच घूम सकते हैं, एलएपी बीच घूम सकते हैं। ये दोनों ही बीच बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर से भर दीजिए। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले व्लॉग में। दुनिया में आए हैं तो झूमते रहिए और वीकेंड पे घूमते रहिए।